अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो 65G मोबाइल और ये मोबाइल पे क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में मैं बात करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है न्यू ओप्पो 65G मोबाइल और बॉक्स के साइड में बैनर रहेगा ओप्पो 65G और नीचे की तरफ आपको लिखा रहेगा जो कि मॉडल नंबर है एंड जो कि कलर है ओशन ब्लू और 6GB रैम आएगा, 128GB इसका स्टोरेज आएगा, 6GB प्लस आप 6GB एक्सटेंड भी कर सकता है। इसके बाद साइड में कुछ डिटेल्स रहेगा जो कि मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट, यानी ये मोबाइल आपको नीचे गिर भी जा जाएगा तो कुछ टेंशन नहीं। एंड 120Hz रिफ्रेश रेट, 1000 nit अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले, स्प्लैश टच विद IP54 एंड 45W मैक्सिमम फास्ट चार्जर आएगा इसके साथ। अब चलिए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद एट फर्स्ट आपको मिल जाएगा मोबाइल और जो कि ये है ओप्पो A65G और इसका जो कलर है ये आएगा आपको ओशन ब्लू कलर। इसके अलावा भी एक दूसरा कलर अवेलेबल है न्यूवला रेड, तो इसमें दो कलर अवेलेबल है। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज आ रहा है मोबाइल के साथ। तो बॉक्स के अंदर ही आपको एक पैकेट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको कुछ एक्सेसरीज है जो कि आपको सिम स्लॉट का ऑप्शन खोलने के लिए, यानी सिम स्लॉट खोलने के लिए सिम स्लॉट पिन मिल रहा है इधर एक। तो इसके बाद आपको इधर कुछ पेपर्स मिल रहे हैं जो कि क्विक स्टार्ट गाइड एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड का पेपर। और देन जो कवर है कवर मिल रहा है और जो कवर है यह एक आपको ब्लैक कलर का सिलिकॉन टाइप कवर आएगा। एंड देन इसके बाद चार्जर है और चार्जिंग केबल जो है यह आएगा आपको USB to Type-C केबल। एंड देन मिल जाएगा चार्जिंग एडेप्टर और जो कि चार्जिंग एडेप्टर है यह आएगा आपको USB एडेप्टर और 45W मैक्सिमम फास्ट चार्जर, यानी ये आपको 17-20 मिनट में आपको 50% चार्ज हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो अब चलिए जो मोबाइल है मोबाइल लेते हैं और मोबाइल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो डिस्प्ले यूज़ किया है IPS LCD यूज़ किया है और जो स्क्रीन साइज़ है स्क्रीन साइज आएगा आपको 6.7 इंच और इसका जो वेट है अबाउट 187 ग्राम आएगा इसका वेट, तो बहुत ही पतले यानी हल्के है ये। और इसका साइड में आपको मिल जाएगा सिम स्लॉट का ऑप्शन यानी सिम लगाने का ऑप्शन, मैं इसको खोल के दिखा देता हूं। तो इधर में खुलने के बाद देख सकते हैं डुअल सिम आप यूज़ कर सकते हैं और अगर वन सिम यूज़ करना चाह रहे हैं वन सिम एंड मेमोरी कार्ड आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। एंड राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएगा एंड पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट बटन सेम आएगा। और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा हेडफोन जैक एंड इधर माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर का ऑप्शन आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा इस मोबाइल में और ऊपर के तरफ कुछ भी नहीं है। और ये जो 5G मोबाइल है तो पहले जो था A64G इसको लेते हैं हम। तो ये है मेरे हाथ में A65G और इसका कलर है न्यूवला रेड। तो 5G में भी आपको सेम कलर मिल जाएगा और इसका जो फीचर्स था ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन 5G का जो लुकिंग है वो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे दिख रहा है। तो अब चलिए जो मोबाइल है मोबाइल को हम ऑन कर लेते हैं। और ये मोबाइल में जो कैमरा का फंक्शन है, कैमरा इसमें डुअल कैमरा यूज़ किया है जिसका मेन कैमरा आएगा 50 MP वाइड एंड 5 MP डेप्थ और सेल्फी कैमरा आएगा आपको 5 MP। तो कैमरा का क्वालिटी अच्छे है। तो अभी हमारा मोबाइल ऑन हो गया और ऑन होने के बाद मैं इसका कैमरा अगर टेस्ट करके दिखा देता है। तो इधर कैमरा का जो क्लियरिटी है आप चेक करिए, बहुत ही यानी अच्छी क्लियरिटी है। तो आप अगर इसमें जूम करके देखते हैं तो जूम करने के बाद भी जो राइटिंग है एकदम क्लियर दिख रहा है, यानी आप इसमें 10x तक जूम भी कर सकते हैं, जूम करके फोटो और वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो का मोड एंड मोर ऑप्शन में आपको इधर नाइट फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, पेनो फोटो का, स्लो मोशन ऑप्शन, टाइम लैप्स एंड डुअल व्यू वीडियो, यानी आप इसमें से सामने का पीछे का कैमरा का एक ही साथ आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आप कुछ फीचर्स दे सकते हैं, तो मैं दिखा देते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप एकदम नीचे में से अबाउट डिवाइस में क्लिक करिए, देन इधर कुछ डिटेल्स है मोबाइल के बारे में जो कि स्टोरेज है, मॉडल नंबर है, प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 6300 एंड बैटरी आएगा आपको 5100 mAh बैटरी, स्क्रीन साइज एंड रैम जो कि 6GB है। आप इसको 6GB और एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं, यानी 6GB प्लस 6GB एक्सटेंडेड रैम भी आप कर सकते हैं, यानी टोटल 12GB आप रैम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और कैमरा के बारे में या डिटेल्स के बारे में, इसमें जो मिड बजट में बहुत ही अच्छे मोबाइल दिया और इसका जो लुकिंग है देखने में भी अच्छे है। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है इस मोबाइल के बारे में या दूसरा कुछ मोबाइल के बारे में, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से जाके भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।